हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश है, हैप्पी है, सेफ है। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये स्पेसिफिकली करंट फीलिंग्स के ऊपर है कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं आपको लेकर, आपके बारे में इनकी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, ठीक है। और ये एक क्विक अपडेट होगा, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देख रहे हो तो बहुत लोगों में के लिए इसमें स्पेसिफिक कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, सो ध्यान लगा के सुनना। और कलेक्टिव है तो पिक अ कार्ड नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत लोगों के लिए है ये, ठीक है। तो बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी और बहुत लोगों से नहीं करेगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन फ़िलहाल क्या फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपके बारे में कैसा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी डीलिंग विद एन एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। द हैंग्ड वुमन मे बी डीलिंग विद अ पाइसिस, और आप हो सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ लियो। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ स्टैग्नेंट सी एनर्जी फील हो रही है। थ्री ऑफ कॉइन्स, ये है आपकी फीलिंग्स। नाइट ऑफ कप्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन एरीज लियो सैज, और बॉटम ऑफ डेक है एट ऑफ वॉन्ड्स। ये है आपकी म्यूचुअल फीलिंग, ठीक है। आप दोनों जो फील कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है। तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन आर नॉट क्वाइट हैप्पी विद द सिचुएशन। फ़िलहाल जो भी चल रही है सिचुएशन, वो हैप्पी नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है। मे बी आपकी किसी बात ने या किसी चीज़ ने इनको काफ़ी हर्ट कर दिया है, और इनको लग रहा है कि सच में ये रिलेशनशिप सच था या सिर्फ एक सपना था, एक ड्रीम था, क्या ये सच में था। तो ये ना इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा इनको लग रहा है कि भ्रम तो नहीं था कहीं ये मेरा, मुझे तो नहीं लग रहा था सिर्फ के प्यार है और ये प्यार नहीं था, ऐसा तो नहीं था। तो बेसिकली ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान है चीज़ों को लेकर, एंड दे आर क्वाइट नॉट हैप्पी विद करंट सिचुएशन, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको लग रहा है कि चीज़ें अटक सी गई है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है कनेक्शन में, कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, सारी चीज़ें रुक सी गई है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, सारी सिचुएशंस को लेकर। इनको लग रहा है कि चीज़ें अटक सी गई है, देर इज़ नो मूवमेंट, और ये चीज़ इनको और ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है। विद दिस स्ट्रेंथ अपराइट, मुझे लग रहा है कि यू माइट बी डीलिंग विद अ लियो अ पाइसिस, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सैज, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि इनको अभी स्कोप नहीं नज़र आ रहा है सिचुएशंस। इनको लग रहा है कि चीज़ें अटकी हुई है, देर इज़ नो मूवमेंट, देर इज़ नो थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड, और ये चीज़ ने इनके अंदर का कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेंथ होती है वो कम कर दी है। तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन सारी इनके इर्द गिर्द है मुझे लग रहा है, ठीक है। आपके जहाँ तक ये देखी जाए, आप इंटरेस्टेड हो टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, आप इमोशनली हर सिचुएशन में इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप होपफुल हो इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी तरफ से आपने जो करना चाहिए आई थिंक आपने ऑलरेडी कर दिया है। नाउ इट इज़ दिस पर्सनस, अभी ये इस पर्सन के कोर्ट में है बॉल, इनको अभी हैंडल करनी है चीज़ें, ठीक है। आप इमोशनल भी हो और आपके फीलिंग्स काफ़ी फर्म है, मतलब अपना आपका इफ्स नॉट्स बट्स कुछ भी नहीं है, है तो है, बस है आपका कोई भी मतलब इस पर्सन को लेके आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, आपके फीलिंग्स सब सामने हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है किसी से, और आपको भी पता है कि मुझे ये बंदा चाहिए या मुझे ये बंदी चाहिए, समझ रहे हो ना। दूसरा है,
मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिटरमाइंड हो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, और आप ना इनको किसी ना किसी तरह से इनका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो, और आपने अपने यू नो अपने सारे गेटवेज ओपन कर रखे हैं टू लेट दिस पर्सन इन इफ़ दे आर इंटरेस्टेड। तो ये चल रहा है दोनों के बीच। जहाँ तक ये देखा जाए, आप जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वही इस पर्सन का कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। इसको अभी भी विश्वास ही नहीं है कि सच में ये रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं इसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं इसने मुझे मुझसे टाइम पास तो नहीं किया, कहीं ये सारी चीज़ें फेक तो नहीं है, ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में। और विद दिस हैंग्ड वुमन ऑन देयर साइड एंड नाइट ऑफ कॉइंस, आपका डिसीजन ना फिक्स है, आपके मन में कोई भी शक नहीं है इस पर्सन को और इस कनेक्शन को लेके, और ये बंदा अभी भी उसी माइंडसेट में अटका पड़ा है, ठीक है, इसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये वहीं पे है अभी तक माइंडसेट के हिसाब से अगर देखी जाए तो चीज़ें, ठीक है। विद द स्ट्रेंथ एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे आप ओपन हो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े आप तैयार हो, वही ये पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। ओके, इनको डर लग रहा है कि यू नो ये आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे या नहीं, रिलेशनशिप आगे जा पाएगा या नहीं, जैसे इन्होंने सोचा वैसा हो पाएगा या नहीं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो, जहाँ पे आप पूरी तरह से तैयार हो वहीं पे ये पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वाई इज़ एट ऑफ स्वर्ड्स हियर, मैंने आज इतनी सारी पर्सनल रीडिंग्स की है कि मैं थक चुकी हूँ, लिटरली मुझे लग रहा है कि कल तो मैं कुछ काम ही ना करूँ, इतना थक गई हूँ मैं, मेरा गला दुख रहा है, सर दर्द होने लगा है मुझे तो बहुत, क्या बोलूँ, बट ठीक है, आई लव दिस वर्क। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जब मैं किसी की रीडिंग करती हूँ ना, पर्सनल रीडिंग, तो मुझे ना वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी लगने लगती है, तो मेरे दिमाग में मुझे लगता है कि मैं समझ पाती हूँ कि सामने वाला क्या क्या सोच रहा होगा इस वक्त। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन ना ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा है, दे आर नॉट ट्रस्ट, मतलब इनको लग रहा है कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, ये कनेक्शन ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता, और इन्होंने ना होप्स ही छोड़ दिए हैं। लुक एट दिस कार्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक ये पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं है कि कुछ हो भी पाएगा अच्छा। आप इनको लग रहा है कि आप इनका ट्रस्ट तोड़ोगे, या आप इनसे झूठ बोलते हो, या आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो। वाई इज़ दिस पर्सन सो स्केप्टिकल, इनको क्यों ट्रस्ट नहीं हो पाता है, उनको ट्रस्ट क्यों? आपके जगह पे एक भी क्लैरिफाइंग कार्ड नहीं की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन के सारे ही क्लैरिफायर्स लगेंगे। ओके, आई थिंक इनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आप क्वीन हो, आपके पास सब कुछ है एंड आपको कोई भी मिल सकता है, तो आप इनको क्यों चूज़ करोगे भाई? इनको तो इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, तो ये आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, तो जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मिलके ना इनका दिमाग ख़राब हो गया है, तो इसी वजह से ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बार बार सेल्फ सैबोटेज करते हैं रिलेशनशिप, खुद इसके हाथ से वाट लगाते हैं रिलेशनशिप की, ठीक है। वाई इज़ दिस पर्सन इन दिस हैंड? ओके, तो ये पर्सन मुझे लगता है कि ये अभी अपने पे काम कर रहा है, ये अपने फाइनेंसेस, वर्क, स्टडी, जॉब जो भी करते हैं, ये अपने आप को डाइवर्ट, बिजी रख रहा है, और इसको लग रहा है कि भाई मुझे सब मिल गया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस बंदी की या बंदे की, मैं खुश हूँ। तो ये आपके सिवा कैसे खुश रहा जाए, उस चीज़ पे काम कर रहे हैं फिलहाल। इज़ दिस पर्सन हैप्पी बीइंग अलोन? देखिए, ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, ये पुल बैक हो जाते हैं, कितना भी दूर आपसे जाने की कोशिश करें, अपने आप किसी भी काम में बिज़ी रखने की कोशिश करें, अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन वापस आके आपके पास ही आ जाते हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड है। दे आर नॉट हैप्पी, दे वॉन्ट यू, आई मीन दे हैव एवरी थिंग बट दे डोंट हैव यू, तो ये चीज़ इनका दिमाग ख़राब कर रही है। वाई इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड यू? वॉट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड अबाउट? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी ये पर्सन कॉन्फिडेंट इनफ फील नहीं करते आप कोई ऑफिशियली कोई कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि मे बी ये पर्सन यंग है आपसे और फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है। वाई इज़ दिस फूल कार्ड यू?
वॉट इज़ दिस अबाउट, क्यों ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं फील करता है। ओके, आई थिंक आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोग काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हो, आपके लाइफ में सब कुछ है, मे बी आप काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, या आप जो भी काम करते हो उसमें काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हो आप, तो यही चीज़ इनको इनसिक्योर करती है कि मैं इसके सामने तो कुछ नहीं हूँ, इसी वजह से तो ये आपके सामने थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं। वॉट इज़ दिस थ्री ऑफ कॉइन्स अबाउट? देखिए, मैंने आपको बोला कि आप डेफिनेटली जानते हो कि ये आपकी हैप्पीनेस है, इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज दे आर योर हैप्पीनेस। सन कार्ड इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। ओके, तो आप जानते हो आप राइट पर्सन के साथ हो। विद दिस लवर्स कार्ड ऑल्सो आई थिंक यू आर विद द राइट पर्सन। इनके तरफ ये रियलाइज होना ज़रूरी है। वट इज़ दिस नाइट ऑफ कप्स अबाउट? ओके, तो आप ना आपने ठान ली है आई थिंक कि मुझे तो इसी पर्सन के साथ रहना है, और आई थिंक आपने एक्शन भी लिया था। आई थिंक आपने अपना अपनी फीलिंग्स इस पर्सन के सामने रखने की बहुत कोशिश की है, अपनी तरफ से आपने सारा सारा जोर लगा दिया है, बस इस पर्सन को अभी वो चीज़ को रेसिप्रोकेट करना है। ठीक है, वाई सिक्स ऑफ वॉन्ट्स हियर, व्हाट इज़ दिस अबाउट? ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप ना कंपैटिबल फील करते हो इस पर्सन के साथ। टेन ऑफ पेंटिकल्स होता है कंपैटिबिलिटी का कार्ड, एक जोड़ी, परफेक्ट जोड़ी समझते हो आप इनको, अपना परफेक्ट कंपैटिबल पार्टनर की तरह देखते हो इनको। जो कॉमन फीलिंग है आप दोनों की वो थी एट ऑफ वॉन्ट्स, तो मुझे लगता है आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ना, अभी क्या टेलीपैथी करोगे एक दूसरे से बात करने के लिए? तो दिस इज़ व्हाट यू वांट, यू बोथ वांट टू टॉक टू ईच अदर, बट फिलहाल नहीं हो रहा है ये। तो कईयों के लिए अगस्त में आ रहा है बात, ये जो बात करना चाहते हो आप, ये अगस्त में आएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ईगो क्लैश भी लग रहा है, ये चाहते कि आप उनके पीछे भागो, आप चाहते हो वो मेरे पीछे भागे, तो इसकी इसमें ही पूरी ज़िंदगी जा रही है आपकी, दोनों की। मिल तो कुछ नहीं रहा है दोनों को, खामखा दोनों एक दूसरे का दिमाग ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं। वॉट यू नीड टू डू इन दिस रिलेशनशिप टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर, आपकी तरफ से आपको क्या करना चाहिए? सर्विस। आई थिंक आपको ना उन लोगों पे फोकस करना चाहिए, उन लोगों को प्यार देना चाहिए जो आपके लिए खड़े रहे हैं हमेशा ही, व्हाट नॉट सिचुएशन जैसे भी थी। आपको अपने पे काम करना चाहिए, आपको लोगों के लिए काम करना चाहिए। आप इनका टेंशन मत लो, ये कहीं नहीं जा रहे, ये वापस आने वाले आपके पास। यू जस्ट हैव टू स्प्रेड लव। ओके, वॉट मोर डू वी हैव? रिकवरी। तो इस पर्सन को लेकर आपने काफ़ी टेंशन लिया, आप काफ़ी रोए धोए सब कुछ कर लिया है, रिकवरी हो रही है आपकी। तो उस रिकवरी में ना आप टांग मत अड़ाओ, करने दो यूनिवर्स को अपना काम, हेल्प करो उसको, शांत रहो, सब कुछ होने वाला है। ठीक है, आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है आपको, अपने आप को यू नो, जितना आप उन लोगों के बीच रहोगे ना जो आपसे प्यार करते हैं, उतने टेंशन आपको कम होंगे। ओके, तो यार जो प्यार दे रहे उन पे उनको प्यार दो, बाकी छोड़ दो। आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस देख लेते हैं क्या है, किस एरिया ऑफ लाइफ पे आपको फोकस करना है। हग यू, किस यू, तो ये बोल रहे हैं आपको मे बी कि मुझे हग करना है, किस करना है। हाँ, बस यही करो यार, यही तो बाकी रह गया, और क्या है रिलेशनशिप में, है ना। फ्रेंड्स, मे बी फ्रेंड्स के थ्रू ये आपसे कनेक्ट करेंगे, या फिर आप अच्छे फ्रेंड्स, यू विल अट्रैक्ट गुड फ्रेंड्स। मैनेजमेंट, आई थिंक आपको अपने लाइफ को मैनेज करना चाहिए, सारी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस जा रही है, तो इट इज़ एन इंडिकेशन डेफिनेटली। चॉइसेस, आपके चॉइसेस काफ़ी मैटर करेंगे, आपको अच्छी चॉइसेस करनी है अपने लिए, अपने बारे में सोच के। एंड द नेक्स्ट इज़ वेट फॉर मी, मे बी दिस पर्सन इज़ आस्किंग यू टू वेट फॉर देम। ओके, तो ये थी रीडिंग, नहीं आपके लिए ये बाकी है ना, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है आप लोगों को, तो ओके, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आते हैं। बाप रे, बहुत सारे आ गए, कोई नहीं, देख लेते हैं। फर्स्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। डेफिनेटली आई थिंक आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आपके साथ, दे वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। ओके, ये था फर्स्ट मैसेज, ये फर्स्ट गिरा था, इसको देख लेते हैं पहले क्या है। वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू, वॉन्ट टू स्पेंड देयर होल लाइफ विथ यू।
नॉट हैप्पी विदाउट यू, खुश नहीं है, ये तो दिख ही रहा है, फालतू में अपने आप को और आपको परेशान कर रहे हैं। माई लाइफ वॉज सो मीनिंगलेस विदाउट यू, बट यू हैव गिवन मी अनदर लाइफ, माई लाइफ वॉज मीनिंगलेस विदाउट यू। ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया करो। तो ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे, रोके ना रोके अखिया। सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू सिंग टुडे, मेरा गला पूरा रीडिंग्स दे के पूरा मेरा गला बैठ गया है। यू आर माई स्वीट हार्ट, तो ये आपको बोल रहा है कि यू आर माई स्वीट हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है, मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, सो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये मिलने आना चाहते हैं आपको। फॉरगिव मी प्लीज़, फॉरगिव मी कह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। बहुत ज़्यादा ही मैसेज हो गए ना, अब और दूर नहीं रहा जाता तुमसे, देख लो अच्छे से आंखें फाड़ के। यू आर माई सोल मेट, लवर्स कार्ड आया था, डेफिनेटली यू आर देयर सोल मेट। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है, दूरियां भी है ज़रूरी, भी है ज़रूरी, ज़रूरी है ये दूरियां। तो ये कह रहे कि दूरियां ज़रूरी होती है भाई, क्यों पर चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मुझे ना सॉन्ग्स चेंज करने पड़ेंगे, बहुत पकाऊ सॉन्ग्स है ये तो यार, ये तो पक गई हूँ मैं। ये सॉन्ग, ये तो मुझे लगता है ये फेंक ही देना चाहिए, बार बार यही सॉन्ग आता है। ये है, आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू एवरी सिंगल डे, सो दे कीप फॉलिंग इन लव विद यू एवरी सिंगल डे। और मुझसे शादी करोगी, तो ये कह रहे कि मुझसे शादी करोगी, टेन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये आपकी फीलिंग ज़्यादा लग रही है मुझे, प्यार हमको भी है ये सॉन्ग। ठीक है, हो गई आपकी एंटरटेनमेंट, गवा लिया मुझसे सॉन्ग। एनीवेज गाइज, आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं रोज़ वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए, चाहे मेरा गला कितना ही ख़राब क्यों ना हो जाए मैं फिर भी रहूँगी। ओके, सो यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और एक लाइक ज़रूर करते जाना।